आरजी दुनिया है, मैं कितनी ही हमदर्दियां कर लूं, जीत लूं, बना लूं, खानदान की खिदमत कर लूं, कौन किससे राजी होता है? असल खिदमत यह है अपने भाई की, भतीजे की, रिश्तेदार की, दोस्त की, कि दोजख के रास्ते से उसको हटाकर जन्नत के रास्ते पर चला दो। यह असल खिदमत है। बड़ा मुश्किल, शादी होगी, गमी होगी, जब आपको खड़े होकर यह कहना पड़ेगा कि जो खाना खाने आए हुए हैं सारे गुनाहगार हैं, खिलाने वाला भी गुनाहगार, खाने वाले भी गुनाहगार, जहन्नम के लिबास के हकदार, तो नाक कट जाएगी। बरादरी कहेगी सारी उम्र खानदान में खाते रहे, अपनी मां मरियम खिलाने का वक्त आया तो हदीस याद आ गई, मैंने अपनी सास मोहतरमा के जनादे के पर ऐलान कर दिया था, अहबाब गए थे चौधरी बशीर साहब जानते हैं, मैंने कह दिया था किसी को कोई खाना नहीं मिलेगा, मिलने भी कोई ना आया, कि जब खाना नहीं तो दुआ कैसी, दुआ करने कौन आता है, इतने हमदर्द कहां से आ गए? असल में वो कोरमे जो आपने तैयार कर रखे हैं अभी लाश पड़ी होती है और देखें चढ़ जाती हैं, सारा इलाके के लोग, खानदान के लोग वो खाने के लिए आते हैं। जब वहां खड़े होकर आप ये कहेंगे कि पैगंबर का सहाबी कहता है कि हम मैयत के घर खाना खाने को नोहा तसव्वुर किया करते थे और नोहा करने वालियों को जहन्नम के गंदक का लिबास, आग का लिबास पहनाया जाएगा, तो मेरे हमजुल्फ ने अपनी नाक पकड़कर बकायदा कहा यहां से नाक कटेगी, खानदान क्या कहेगा, यह माशरे से कटना है, और बड़ा जुर्रत का काम है। अल्लाह की तौफीक से हमने ये नहीं करने दी, लोगों ने बड़ी लंबी दुआएं की, क्यों? जब पसंद यह करता हूं हत्ता युहिब्बुली अखीही मा युहिब्बुली नफ्से, इस्लामी मुआशरे की तश्कील हो रही है कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। मैं जब पसंद करता हूं कि मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बने तो अपने भाई को भी कहो कि अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ।